19 जून पासून राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्तालय अधीक्षक कार्यालयांतर्गत पोलीस पदांच्या परीक्षेला सुरुवात झाली आहे. 19 जून पासून सर्व पोलीस मैदानावर मैदानी परीक्षेला सुरुवात झाली आहे. अशातच अमरावती ग्रामीण पोलीस अधीक्षक विभागाच्या वतीने माळटेकडी येथील जोग स्टेडियम येथे सकाळपासून मैदानी चाचणीला सुरुवात करण्यात आली. याच नवीनच RFID तंत्रज्ञानाचा वापर करून 100 आणि 1600 मीटर धाव परीक्षा घेण्यात आली. या तंत्रज्ञानाने वेळेची आणि कर्मचाऱ्यांची बचत होत असल्याची प्रतिक्रिया ग्रामीण पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी सीड न्यूजकडे बोलताना स्पष्ट केले. राज्यभर 19 जून पासून पोलीस भरती प्रक्रियेला सुरुवात झाली. अमरावती ग्रामीण पोलीस अधीक्षक विभागाच्या वतीने सुद्धा 207 जागांसाठी मैदानी परीक्षेला सुरुवात करण्यात आली आहे. या पदाकरिता 27,981 अर्ज प्राप्त झाले असून 19 जूनला सकाळी माळटेकडी येथील जोग स्टेडियम येथे 19 जूनला 800 उमेदवारांना मैदानी परीक्षेला बोलावण्यात आले. सर्वांची कागदपत्रे, उंची आणि छातीचे मोजमाप पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वतीने करण्यात आली. यावेळी प्रथमच अमरावती ग्रामीण पोलिसांच्या वतीने RFID म्हणजेच रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला. हा वापर 1600 आणि 100 मीटर धाव चाचणीत वापरण्यात आले. या प्रणालीमुळे भरती प्रक्रियेला गती आणि पारदर्शकता दिसून आली. रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन या तंत्रज्ञानात रेडिओ लहरींचा वापर टॅग केलेला ऑब्जेक्टला ओळखण्यासाठी केला जातो. पोलीस भरती प्रक्रियेत RFID अँकलेट उमेदवारांच्या पायाला बांधला जातो. उमेदवार मैदानावर उतरल्यापासून मैदानाबाहेर निघेपर्यंत ते त्याच्या पायाला बांधलेलं राहणार आहे. यामध्ये लागलेले सेन्सर हे उमेदवार धावायला लागल्यापासून ते त्यानं आपलं धावणं थांबण्यापर्यंत त्यांचा वेग आणि वेळ आपोआप दर्शवितो. 100 किंवा 1600 मीटर धावल्यानंतर उमेदवारानं निश्चित केलेलं अंतर पार करताच ही प्रणाली आपोआप थांबते. या उपकरणामधील संपूर्ण डाटा संगणकामध्ये सेव्ह राहत असून संपूर्ण भरती प्रक्रिया आटोपल्यावर प्रत्येक उमेदवाराचा योग्य निकाल स्पष्ट होतो. या प्रणालीने आता 2-3 दिवसात 1500 उमेदवारांना बोलावून परीक्षा घेण्यात येणार अशी प्रतिक्रिया पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी व्यक्त केली. पहले तो गुड मॉर्निंग. आज के दिन में भर्ती का पहला दिन है. अमरावती ग्रामीण घटक की तरफ से आज के दिन में हमने टोटल 800 उम्मीदवार जो है बुलाए हैं. सवेरे 4:30 बजे से बंदोबस्त लगाया है एंड उम्मीदवारों को 4:30 से ऑनवर्ड्स हमने शुरू किया है प्रोसेस. अभी तक इन टोटल 570 और कैंडिडेट्स आए हैं एंड थैंकफुली सारा जो अपना सिस्टम है वो काफ़ी स्मूथ चल रहा है. पिछले साल अमरावती ग्रामीण में टेक्निकल कुछ इश्यूज होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम्स हुआ था. इसी वजह से इस साल जो है हम थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होके चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं एंड टेक्निकल असिस्टेंस के तौर पे हमने एक RFID टेक्नोलॉजी के साथ में टेक्निकल वेंडर हमने भर्ती में असिस्ट करने के लिए उनको लगाया है. तो 100 मीटर और 1600 मीटर दोनों इवेंट में ये लोग हमको असिस्ट करने वाले हैं. टेक्नोलॉजी में कैंडिडेट जो आ रहा है, उम्मीदवार जो आ रहे हैं, उनके पाँव पे एक एंकलेट की तरह RFID चिप एनेबल्ड जो है सिस्टम उनके पाँव में बांध दिया जाता है बिफोर एंटरिंग द ग्राउंड एंड ग्राउंड में जाते ही फिर वो 100 मीटर और 1600 मीटर इवेंट करते हैं जिसमें सेंसर्स लगे हुए हैं फलाना जगह पे. स्टार्ट एंड फिनिश लाइन पे सेंसर्स वगैरह लगे रहेंगे. तो जब कैंडिडेट स्टार्ट लाइन को क्रॉस करता है तो उसका टाइमिंग शुरू हो जाता है एंड कैंडिडेट जब फिनिश लाइन को क्रॉस करता है तो उसका क्लोजिंग टाइम रिकॉर्ड हो जाता है. तो ये टोटल टाइम के बेसिस पे फिर कैंडिडेट को जो है सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है मार्क्स प्रोवाइड कर देता है. ये टेक्नोलॉजी जो है हम 100 मीटर और 1600 मीटर दोनों में भी यूज़ कर रहे हैं. शॉर्ट पुट मैन्युअली चल रहा है तो सिस्टम में ये डाटा जो है जनरेट होते ही फिर सिस्टम ऑटोमेटिकली टोटल मार्क्स जो भी उम्मीदवार के हैं वो कैलकुलेट करके तुरंत दे देता है एंड ये जो टोटल मार्क्स है वो हम उम्मीदवार को बता के समझा के फिर उनका कुछ ऑब्जेक्शन वगैरह है तो उसको एड्रेस करके फिर हम उम्मीदवार को
कॉन्फिडेंस में लेके उनका सिग्नेचर वगैरह लेके उनको रवाना कर रहे हैं। एंड एक बार ये जो भी डाटा पूरा सिस्टम में फीड हो गया तो दैट इज़ सिक्योरली फेड इनटू द सिस्टम, सिक्योर सर्वर पे जो है ये डाटा स्टोर रहता है, ताकि कभी भी हमको चाहे तो हम इसको डाटा को ये कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली जो भी माहिती हमको भेजना रहता है वो भी सिंप्लीफाइड प्रोसेस में कंप्लीट हो जाता है।